मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के पास जिस पहाड़ी पर वन विहार स्थित है वह लगभग 3 दशक पूर्व वीरान थी और आबादी की मार से यहां का जंगल बर्बाद हो चुका था। सन 1981 में इस पहाड़ी के वन क्षेत्र का संरक्षण सघन रूप से शुरू हुआ और जल्द ही यह पहाड़ी हरी भरी होने लगी। 26 जनवरी 1983 को पहाड़ी एवं उसके आसपास के 4.48 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर वन विहार का नाम दिया गया। वन विहार में प्रकृति अपने सहज रूप में दिखती है और वन विहार से लगा हुआ भोपाल के बड़े तालाब का कुछ भाग भी वन विहार का हिस्सा है जो कि सारे परिदृश्य को बहुत मनोरम बना देता है। यह क्षेत्र आज भोपाल शहर के लिए हरित फेफड़ा के रूप में कार्य करता है। सुनहरा गीदड़, जिसका वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है, यह भेड़िये की सबसे छोटी आकार की प्रजाति है। इसकी टांगे व पूंछ छोटी होती है और थूथन भी अधिक नुकीला होता है। अब मैं आगे शेर के बारे में, भीड़ तो बहुत सारी है, मैं भी देखती हूँ कि कितने शेर हैं। भारत में बाघ को बंगाल टाइगर भी कहते हैं। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे आज से ठीक 46 साल पहले 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। भारतीय बाघों पर किए गए एक शोध में पशु वैज्ञानिकों को उनके पूर्वजों के चीन में रहने के संकेत मिले हैं। इनका रंग पीला और भूरा होता है और शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। एक बड़े बाघ का वजन 300 से 400 किलो तक होता है तथा इनकी लंबाई 9 फीट होती है। इनका जीवन काल 10 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उनकी उचित देखभाल की जाए तो 20 वर्ष ज़्यादा जी लेते हैं। इनकी दहाड़ने की आवाज़ करीब 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। हम हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। मैं बहुत थक गई तो मैं थोड़ा सा सम खाली और पानी पी लूं, फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने, इसलिए डोंट स्किप वीडियो।